पेरिस ओलंपिक्स 2024 पर सबकी नजर है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारत को पहला मेडल मिला है। मनु भाकर ने एयर पिस्टल कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के इतिहास में शूटिंग में पदक जीता है। मनु भाकर की जीत के बाद सेलिब्रिटीज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबने अपने अपने अंदाज में प्लेयर्स को बधाई दी है। इस लिस्ट में कंगना रनौत से लेकर करीना कपूर तक का नाम शामिल है। प्रीति जिंटा ने भी मनु भाकर की जीत का जश्न मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एथलीट्स को बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया है। मनु भाकर की जीत पर प्रीति जिंटा ने लिखा, ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने पर बधाई हो मनु भाकर। तो वही कंगना रनौत ने मनु भाकर का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वो गीता पढ़ती हैं और मन में उसी के विचार चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्म पर ध्यान दो। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में भी बस यही सब चल रहा था। कंगना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत का पहला मेडल, ये हिंदू बेटियां। तो वही सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी मनु भाकर को स्टार बताया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के साथ खिलाड़ी की तस्वीर शेयर कर लिखा, बधाई हो मनु, आप एक स्टार हैं, भारत के लिए कितनी शानदार शुरुआत है। तापसी पन्नू ने बधाई पोस्ट में लिखा, ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओलंपिक पदक तालिका में अपना खाता खोला, इस शानदार निशानेबाज को बधाई। शिल्पा शेट्टी ने कहा, बधाई हो मनु, शूटिंग में पहली भारतीय महिला के रूप में ओलंपिक मेडल जीतकर इतिहास रचना एक शानदार उपलब्धि है। एयर पिस्टल में आपकी ब्रॉन्ज ने देश को गौरवान्वित किया। उसके अलावा करीना कपूर खान, सुनील शेट्टी, फातिमा, सना शेख, अनिल कपूर जैसे सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर मनु भाकर को बधाई दी है। बता दें कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का टूर्नामेंट चलने वाला है। इस बार भारत से 117 खिलाड़ी गए हैं, जिस वजह से देश भर के लोगों को उनसे कई सारी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों को जमकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, कार्तिक आर्यन से लेकर दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं। कार्तिक आर्यन ने खास अंदाज में एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्टर ने अपनी फिल्म चंदू चैंपियन से अपने किरदार मुरलीकांत पेटकर की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों को शुभकामनाएं। चंदू चैंपियन में एक एथलीट की भूमिका निभाना एक अविश्वसनीय अनुभव और सम्मान रहा है। वहीं बॉलीवुड की स्टार लेडी दीपिका पादुकोण ने भी एथलीट्स को जमकर बधाइयां दी हैं। अजय देवगन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, सभी भारतीय एथलीटों के लिए आप हमारे देश का गौरव हैं। आप जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, हम आपका खेल पूरे उत्साह के साथ देखेंगे, चीयर्स एंड गुड लक। सोनाली बेंद्रे ने अपने इंस्टा स्टोरी पर ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की एक तस्वीर शेयर कर लिखा, टीम इंडिया के लिए उत्साह। आलिया भट्ट ने भी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, आगे बढ़ो टीम इंडिया। तो वही आयुष्मान खुराना ने ओलंपिक खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मिलकर चीयर फॉर भारत नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो कुछ इस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मनु भाकर को बधाई दी है और ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट के लिए देखते रहे एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।